हेलो सलामकम um, जो कुछ क्वेश्चन आए हैं uh, उनमें से आई थॉट दिस वॉज अ वेरी रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा है कि भाई uh, जो वीज़ा की मैंने बनाई मैं थी कि वाई पीपल हेट जे वन वीज़ा सो मच कि जे वन वीज़ा की जो लिमिट होती है वो सात साल की होती है सेवन ईयर्स की राइट सो लेट्स सेव समी वॉन्ट्स टू गेट इन टू इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एस्कुलर सर्जरी न्यूरोसर्जरी तो वो कैसे कर सकते हैं तो उसमें ये होता है कि ना लेट्स लेट्स गो द पैथ इनिशियली कि आप लेट्स से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करना चाहते हो लेट्स से यू वांट टू डू आई करना चाहते हो तो इस तरह की स्पेशलिटीज जिनकी ट्रेनिंग पाँच छः सात साल की हैं न्यूरोसर्जरी करना चाहते हो जिसकी रेजिडेंसी सात साल की और वो हम फोन ग्रेजुएट्स को ऐसे नहीं मिलती राइट वी नीड टू डू मल्टीपल ईयर्स ऑफ रिसर्च। तो आप लेट से तीन साल की रिसर्च करते हो तो आपने तीन साल की रिसर्च की फिर आपने जो है एक साल का प्रीलिम किया और पाँच साल की चार साल की रेडियोलॉजी रेजिडेंसी की सो थ्री प्लस फाइव एट फिर उसके बाद दो साल की आपने फेलोशिप की दस साल हो गए तो अगर जेवन वीज़ा की लिमिट ही सात साल है तो आप दस साल कैसे काम कर सकते हो आप नहीं कर सकते एक्चुअली होता ये है अब गौर से सुनना मेरी बात कि जो जेवन रिसर्च है वीजा जो आपको मिलता है उसकी सेपरेट सेवन इयर्स की टाइमलाइन है और जो जेवन क्लिनिकल वीज़ा आपको मिल रहा है उसकी गलत है वो रिसर्च के लिए सिर्फ और जब आपने रिसर्च की है उसकी जो वो आपको एक अलहदा सेवन ईयर्स मिला तो यू कैंट बी ऑन अ रिसर्च वीज़ा फॉर मोर देन सेवन ईयर्स सात साल आप लगातार नहीं कर सकते ना लेट्स क्रिएट अपोथेटिकल एग्जाम्पल कि आप साढ़े छः साल आपने रिसर्च की है अब आप जब ट्रेनिंग में गए हो तो आपकी क्लाक जो है वो स्टार्ट दोबारा जीरो से होगी वो आपके जो पिछला है वो कैरी ओवर नहीं होगा इसमें तो अब आपने आयो इंटर्नशिप तो जो इंटर्नशिप का ईयर होगा वो आपका फर्स्ट ईयर कंसीडर होगा उसके बाद जब आपकी एडवांस ट्रेनिंग है लथ्स रेडियोलॉजी डरमाटोलॉजीलॉजी वो कंसीडर होगा फिर आपकी फेलोशिप कंसीडर होगी लेट्स से आप इस तरह की स्पेशलिटी में हो जिसमें न्यूरो सर्जरी है तो आपके फिर यही है कि न्यूरो सर्जरी आप आ, करोगे सात साल की तो उसके बाद आप डायरेक्ट फेलोशिप नहीं ले सकते अनलेस आप वेवर जॉब ना करो वेवर जॉब आप तीन साल का वेवर करोगे चौथे साल या पाँचवें साल वो आपका ग्रीन कार्ड फाइल करेंगे देन यू कैन डू योर फेलोशिप्स कुछ इसके uh, जो है एक्सेप्शन हैं देर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस लेकिन वो बहुत मुश्किल है कि आपको यू नो यू आर एबल टू गेट एनी काइंड एक्सेप्शन पीपल गेट एन एक्सेप्शन के फेलोशिप के लिए दे आर एबल टू कैर इन एट ऑल्विस्ट एंड चैलेंजिंग अच्छा अब उसके बाद आता है कि जो मैंने आपको बताया है, कि आप जेवन जब भी लोगे आपको तीन साल का वेवर करना है वेवर करने की जो जॉब्स हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं वो हर कहीं पर अवेलेबल नहीं है और फिर अ लॉट ऑफ पीपल आर फोर्स टू गो बैक टू देर होम होम कंट्री फॉर टू टू थ्री ईयर्स जस्ट बिकॉज दे हैव टू क्या कहते हैं you know, कम बैक और ना नीदर यू कैन प्रैक्टिस और यू जस्ट टक इन अमेरिका विदाउट डूइंग एनी थिंग जॉब बहुत कम है वेवर की अगर आप एडवास्ट स्पेशलिटी में चले जाओ जितनी एडवास्ट हो जाओ जिस तरह मैंने कहा खासतौर पर न्यूरो सर्जरी में आप स्पाइन सर्जन बन गए हो ट्रांसप्लांट सर्जरी कार्डियोथ्रेसिक सर्जरी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तो जो वेबर की जॉब्स है ना जितना ज़्यादा आप एडवास्ड होते जाओगे वैस्क्र सर्जरी उतनी मुश्किल होती जाएगी मेडिसिन में हॉस्पिटलिस्ट की वेबर जॉब्स बहुत हैं तो वो ठीक है आप मेडिसिन की रेजिडेंसी करते हो दो तीन साल आप फिर उसके बाद वेबर की जॉब करते हो फिर फेलोशिप अप्लाई करते हो ना लेट्स क्रिएट अन अदर पैथवे कि भाई अगर आप लेट्स से आपने ई पी डॉक्टर बनना है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो है या आपने इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या आपने कार्डियो किमेचर बनना है या आपने एडवांस्ड कैस्ट्रोनट्रोलॉजिस्ट बनना है तो इन तमाम केसेस में आप पहले तीन साल की मेडिसिन की रेजिडेंसी करते हो आप उसके बाद तीन साल की कार्डियोलॉजी की या गैस्ट्रोट्रोलॉजी की फेलोशिप करते हो फिर आप उसके बाद एक दो साल मोस्टली एक साल फर्दर सब स्पेशलाइज करते हो आप फेलोशिप करते हो एडवास्ड ई की या आप करते हो फेलोशिप इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी की या कार्डियो इमेजिंग की या ई की जो भी आप करना चाहते हो तो लेट्स लेट्स डू द मैथ हेयर तो लेट्स से उससे पहले आपने दो तीन साल की रिसर्च की है राइट तो अगर आप रिसर्च करते हो तो आपका जो जीवन वीजा था वो रिसर्च का था वो क्लिनिकल पर अकाउंट नहीं होगा अब आपने अपनी ट्रेनिंग की है ए, आपकी तीन साल की मेडिसिन तीन साल की कार्डियोलॉजी और एक साल की आपकी फर्दर जो फेलोशिप ट्रेनिंग है आ, सब स्पेशलिटी तो ये टोटल सात साल बने आप आठवां साल नहीं कर सकते अच्छा एक तो ये बात जो जिसकी वजह से बहुत से अलॉट ऑफ आवर फॉरन ग्रेजुएट्स आर काोर्सड टू टेक अ फेलोशिप क्योंकि उनको जीवन वीजा जो है वह सिर्फ तीन साल का अभी तक मिला होता है रेजिडेंसी की वजह से तो इन ऑर्डर टू स्टे इन दिस कंट्री या तो वह वेबर जॉब अभी करें तीन साल की अपना ग्रीन कार्ड लें फिर चार साल बाद फेलोशिप अप्लाई करें उसको करने की बजाय बहुत से लोग ये प्रेफर करते हैं कि रैदर देन वेटिंग फॉर ग्रीन कार्ड फॉर थ्री ईयर्स अभी फेलोशिप कर लेते हैं गेट इट आउट ऑफ द वे आप यंग हो बच्चे भी हैं आपके छोटे हैं और जब आपकी छः साल की या सात साल की ट्रेनिंग हो जाती है देन दे डू देयर वेवर फॉर थ्री टू फोर ईयर्स और फिर उन्हें ग्रीन कार्ड मिलता है आफ्टर जब उनका प्रोग्राम फाइल करता है देन देर एलिजिबल टू डू ऑल दैट तो आई होप दिस वीडियो आंसर सम क्वेश्चन क्लरिफाइज इट फॉर यू कि आप दो दो तीन तीन साल की जो लोग रिसर्च कर रहे हैं और उसके बाद जेवन वीजे पर रेजिडेंसी कर रहे हैं फिर फेलोशिप कर रहे हैं फिर स, स, आ, सब स्पेशाइज फेलोशिप्स कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग जो है वो सारी वाकई आई एग्री दस से ग्यारह साल बन जाती है लेकिन आपकी जो रिसर्च के एक से तीन साल हैं वो इसमें काउंट नहीं हो रहे और ज़्यादातर ट्रेनिंग अनलेस अब न्यूरो सर्जरी में हो वो सात साल तक रहती है सात साल से ज्यादा क्लिनिकल ट्रेनिंग मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रेनिंग्स जो है वो नहीं होती चलो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू नेवर गिव अप नेवर लूज होप गुड लक विद एवरीथिंग